हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे फट जाएगी बोतल। नहीं फटेगी भैया, को डर लग रहा है। फट जाती है कई बार। हां बस 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 खोल लो, खोल लो। अरे खोल दो यार। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? तो भाई मुझे पता है कि ब्लॉग बहुत बहुत लेट आता है, उसके लिए सॉरी, बट जैसे जैसे हमें टाइम मिलता है हम ब्लॉग्स बनाते हैं। और आज भाई आज मैं जा रही हूँ विशाल के लिए गिफ्ट लेने। क्यों? क्योंकि विशाल का बर्थडे है कल, तो उसके लिए मुझे कुछ गिफ्ट लेके आना है। मुझे बड़ा कंफ्यूज थी कि मैं क्या लेके आऊँ, क्या लेके आऊँ, क्या लेके आऊँ, लेकिन मैंने सोचा विशाल के लिए वॉच ले लेती हूँ। एक वॉच विशाल ने देखी थी जो बहुत पसंद थी विशाल को, बट ली नहीं विशाल ने, तो मैं सोच रही हूँ वही वॉच ले लेती हूँ। और भी मैंने बहुत कुछ सोचा है, देखते हैं वहाँ जा कर कि क्या लेते हैं क्या नहीं। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं, अभी मैंने कैब बुलाई है और ये सरप्राइज़ है, विशाल को नहीं पता है। विशाल गए हुए हैं दिल्ली और मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी गिफ्ट लेने के लिए, और फिर विशाल को सरप्राइज़ देंगे। और बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान कर रखे हैं, देखते हैं वो सरप्राइज़ हो पाता है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि पहले ही पता चल जाए। तो चलो चलते हैं। मैं और मम्मी निकल चुके हैं अपनी गिफ्ट के लिए और मम्मी को मैं ज़बरदस्ती ले आई। अरे चलो चलो घर पर क्या करोगे। तो आप कैसा फील कर रहे हो अभी विशाल का बर्थडे आने वाला है, क्या सोच रहे हो? सरप्राइज देंगे विशाल को। मम्मी को वैसे भी सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो हम लोगों ने कुछ सरप्राइज प्लान किया हुआ है। अब आप देखते जाओ आगे के सारे सरप्राइजेस। अभी तो हम लोग जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ जाके वो वॉच मिलती भी है कि नहीं, अब पता चलेगा। सो गई मम्मी, नींद पूरी कर रही है। क्राउन इंटीरियर मॉल भैया नीचे से लेना है, यू टर्न। सो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं, मेरे ऊपर है लॉकिंग डीज जो है एक वेयर हाउस है। तो मैं ना यहाँ पर पहले भी आई हुई हूँ, तो यहाँ पर मेरी कुछ कुछ चीज़ें मुझे अच्छी लगी थी, और जो विशाल को वॉच पसंद थी हम वो वॉच लेने आए स्पेशली। अब मुझे ये देखना है कि वो वॉच मिलती है कि नहीं, अंदर जाके देखते हैं। ये जो वॉच विशाल को पसंद थी ना वो तो नहीं मिली, दूसरी वॉचेस मिल रही हैं। इतनी साड़ी, लेकिन मैं इतनी कंफ्यूज हूँ क्योंकि एक एप्पल की वॉच भी मिल रही है, और मैं एप्पल की वॉच ले लूँ और फिर विशाल को पसंद ना आए, तो इसीलिए मैं नहीं ले रही हूँ। इसलिए मैंने बुलाया जतिन को। अब जतिन ही मुझे क्लियर करेगा कि मुझे कौन सी वॉच लेनी चाहिए और कौन सी नहीं, तो मैं वेट कर रही हूँ उसका। और मम्मी भी वेट कर रही हैं, मम्मी पूरा साथ दे रही है हमारे सरप्राइज में। फाइनली जतिन का वेट करते करते जतिन आ गया है। आ रहा है, हाँ इंटीरियर भाग गया था ये, फिर यहाँ आया। तो भाई हाँ वॉच देखते हैं हम लोग। अरे वो वाली वॉच तो वो बोल रहे मिली नहीं रही, पता है अब दूसरी वॉच देखनी पड़ेगी। भाई यहाँ तो वॉच नहीं मिली, परेशान हो गए इतनी देर, टाइम ख़राब। एप्पल की वॉच मिल रही थी लेकिन वो पुरानी सीरीज थी, तो वो मुझे नहीं लेनी, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं क्राउन इंटीरियर, देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी और वॉचेस मिलेंगी, तो अगर उनमें से कोई पसंद आ गई तो लेते हैं। पूरे दो घंटे खराब हो गए, अब मेरे तो नी प्रॉब्लम हो रहा था और बस खड़े खड़े ना बुरा हाल हो गया। तो और थकूँ क्योंकि मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। तो भाई फाइनली हमने गिफ्ट ले लिया है, वॉच ली है, स्मार्ट वॉच। आई होप एप्पल की तो नहीं ली क्योंकि मुझे नहीं पसंद आई एप्पल की, जो पसंद थी लेटेस्ट वाली वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, तो वो 60,000 की है। 60,000 की, तो मैंने कहा छोड़ो क्या इतने पैसे, 13 आ रहा है। मैंने कहा छोड़ो, मैंने तो ले ली बस स्मार्ट वॉच, अब पता नहीं विशाल को पसंद आएगी कि नहीं, वो देखते हैं। तो आंटी जी को बोलना वहाँ बैठना है, पर आंटी घूमते घूमते मम्मी गाया। मैंने कहा हे भगवान मम्मी को मोबाइल लेके भी नहीं गई, खो गई तो क्या होगा, लाया मोबाइल, मैं डर गई। सो भाई हाँ मच्छरों ने बहुत बुरा हाल कर दिया, इतने मच्छर उड़ रहे हैं। तो हमने ले लिया गिफ्ट वगैरह, तो और अब हम कैब का वेट कर रहे हैं, कैब नहीं आई, जतिन ने करी है कैब, मेरी ओला से तो हो ही नहीं गई। ओ भाई 12 मिनट बता रहा है, 12 मिनट आने में, पर हो गई, हो गई। अब अगर कैंसिल करी तो तुम्हारे पैसे कट जाएंगे। अगर कैंसिल हो गए ना पिछली बार 200 की कैब 400 की पड़ेगी।
अब देखो 12 मिनट बैठे, क्या मच्छरों के बीच में बैठोगे 12 मिनट? बर्गर नहीं खाएंगे इतने में? चले जाओ यार, इतने में कुछ खा नहीं सकते हम, क्या खाएंगे? प्लान बना है रात के टाइम कि घूमने चलते हैं, नाइट आउट करते हैं, क्योंकि मेरा बर्थडे है तो कुछ सेलिब्रेट करेंगे शायद, मुझे नहीं पता क्या करने वाली है ये मॉटन। हाँ। और अभी हमारे फ्रेंड भी आ रहे हैं, ये देखो ये आ गए, यही है लग रहा है फॉर्च्यूनर में। हाँ, ये पिज्जा लेके आ गई है, ये आ गए। चलो लगाओ गाड़ी, तो लगाओ इधर। कैसा लगा सरप्राइज? बहुत बढ़िया। इतनी ठंड में स्कूटी मिस कर दिया भैया, एकदम बैठ गया गाड़ी में। बनाना था तेरे को पहले। अरे मुझे क्या पता, मैं तो देखा ही नहीं रखनी से, मैंने तो जब तक देखा मैंने की कौन कार में बैठ गया। ये देखो ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए। कहाँ से आ गए? देखो क्या बोल रहे, प्लानिंग थी क्या सारी आपस में? अरे ये इसको बोलते हैं, इसे बोलते हैं सरप्राइज, आप जो देते हो घटिया सरप्राइजेस होते हैं। देगा बाहर ना, ऐसी बताया ही नहीं, हम तो सो रहे थे बच्चों। उठ गए और ये कह रहे पिज्जा लेके खड़ी हूँ मैं, यहाँ पे पिज्जा लेके खड़ी हूँ, मेरे को कह रहे कि आ गई। अरे यार क्या बोलूँ, उसका फोन है कि आ गई मैं यहाँ पर पहुँच गई। तो भाई बाल वाल भी अभी ऐसी हो रहे हैं एकदम स्प्रिंग हो रहे हैं, झालमुरी झालमुरी। अच्छा तीनों की प्लानिंग हुई है, अंगूठा चबाया था इसके। चलो भाई अभी थोड़ी देर में, अब केक वेक लाए हुए वैसे ही आ गए, वो भी लाना होता है। पिज्जा कटेगा? अच्छा पिज्जा काटोगे? बोल दिया, कहाँ है पिज्जा? हैप्पी बर्थडे हो गया? हाँ कर दी। हाँ वो कह रहे चला लो, लेकिन फटाफट चला लो और बाहर की साइड चला लो जल्दी से। बजाओ फिर, यही कर दे क्या? यही चलाते हैं, यहाँ और चला लो तुम। कहाँ करने हैं? रोड पे। हाँ उधर ना, इस और मैं ये भी बता दूँ, हमारी इस प्लानिंग में मम्मी भी शामिल थी, बट वो थक गई तो सो गई, कह रही थी मैं भी चलूंगी बट सो गई। अच्छा मेरा कैमरा चल रहा है, रखा रखा रखा। यही तो भाई केक कटने जा रहा है, दिखाओ दिखाओ केक दिखाओ। ओ बूढ़ी विशाल, अरे ये खराब हो गया ना स्कूटी पे, ऐसे बोलते हैं सर। सुनो मैं भाग जाओ, दिखाओ गाड़ी के वजह, जल्दी भागो, उनने कहा था भाग जाना पटाके चला के। हाँ वो पुलिस वाला खुद बोला चला के भाग जाना। अरे अरे नहीं, वो कह रहे पकड़ो 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 इन्हें पकड़ो। अरे वो रजनीश कह रहा था, रजनीश वो रजनीश कह रहा था पुलिस, ये और कह रहे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, तो नहीं पकड़े तो पकड़ो, यही सुनाई दिया ये क्या। अरे भाई ये हमारा तो बर्थडे बन रहा है इसे, मतलब यार उल्टे सीधे काम करेंगे तो देखो भाग गए। और पीछे ऐसे भी ना, एक मिनट ये गलत ही है हमारा ना, एक तो वैसे ही बहन है और ऊपर से हम चला रहे हैं और पूछ के चला रहे हैं, उनके ऊपर बात आएगी यहाँ से निकल जाना ठीक ही है। वो कह रहा था ना चला के चला के चले जा, और ये सोचो जतिन ने आपकी गाड़ी छोड़ के दूसरी गाड़ी पकड़ी, पता नहीं चल गया। अभी तो केक ही नो कटा, अबे इसमें स्पार्कल वाली। सुन लो पहले, मम्मी भी इस प्लानिंग में पूरी शामिल थी बट थक गई लास्ट। ये फ्रूट बियर है, ये क्या है, शैंपेन है विदाउट अल्कोहल, ये कोई और ही खोल दो। ये क्या है, इन्हें खोलनी नहीं आ रही, ये कोई और से खुलवा लो, आप केक काटो। अरे रजनीश तुम ही खोल लो ये, फट जाएगी बोतल, फटेगी बोतल नहीं, फट जाती है कई बार। हाँ बस 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 खोल लो, खोलो तो खोल दो। अरे इससे आग से दूर रखो, अब ऐसे कर कैसे भैया को पिला दो।
लॉक लॉक पास लॉक ये हैप्पी बर्थडे भैया हैप्पी बर्थडे भाई हम हो चुके हैं 50 साल के हैप्पी बर्थडे बोलो तो सही हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर बूढ़ी साहब 50 साल के अंकल 50 साल के अंकल अच्छा ऐसे ही ले रहा हूँ वीडियो की थंबनेल भी निकल जाए लो खाओ सब लोग खिलाओ ना पकड़ी पूरा ढालिया पूरा रनीश भाई मत करियो प्लीज थैंक यू लो ये भी लाए हो बड़ी मुश्किल से छाट के वो भी जतिन ने हेल्प करी इसीलिए नहीं तो जतिन कहाँ मिल गया तुम्हें नहीं तो मैं तो छोड़ा थी जतिन कहाँ मिल गया बस तो मेरे साथ था उसके बाद मेरे साथ था और मम्मी एक ही जगह पर दो भाई है ना देखा भी नहीं रुमाल तो दो अरे मेरे को रुमाल दो इसे मेरे पे संचित पे भी लगा हैप्पी बर्थडे विशाल थैंक यू और देखो बर्थडे बॉय क्या कर रहे हैं आज बन रहा है चीला हाँ आज बर्थडे बॉय से चीला बनवाया जा रहा है लेट आए थे हम लोग घूमने घूमने चले गए थे हाँ। और उसके बाद घर बहुत लेट आया और 5-6 बजे और अभी 10 बज रहे हैं 11 बज गए रात नहीं मतलब सुबह आए एक तरीके से सुबह ही आए हाँ मौज मस्ती करके और अब टाइम हो गया है दिखता ही नहीं है इसमें तो बर्थडे की पार्टी मुझे खुद ही देनी पड़ रही है मैं सबको चीले बना बना के खिला रहा हूँ और पापा के पैर छुए कि नहीं आशीर्वाद लिया कि नहीं बर्थडे बॉय को नहीं यार अब उल्टा पुल्टा अब बर्थडे बॉय बना खिलाएगा कैसे बनाया विशाल ने चीला चीला तो बहुत अच्छा बना एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी करारा देखो खाली आया थोड़ा सा रह गया है एकदम क्रिस्पी और अच्छा बना चाहिए इसमें पनीर की स्टफिंग होती तो और अच्छा लगता ये देखो क्या हो गया और क्या हो गया देखो आप ध्यान से देखो इस साइड से एकदम सही है ये हल्का सा ज्यादा सीखा है जला नहीं है काला चीला है ये भी अच्छा है मत खाना नहीं खाना दूसरा गा लेना रह गए काम से टेस्ट तो करो अरे क्यों जला हुआ चीला है वो ये वाला हिस्सा सही है ये देखो गिफ्ट आ चुका है हाँ। इसको खोल के देख लेते हैं आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं था क्या दिया है इसमें स्मार्ट वॉच इतनी मेहनत ढूंढ के ये क्या वो कह रहा प्रीमियम है अच्छी है ये वो है अच्छा स्मार्ट वॉच है हाँ। एक हम यूएसए से लाए थे पहले स्मार्ट वॉच वो आप दान में दिया वो हमारी कहीं रह गई किसी होटल में इसकी वारंटी वगैरह है सब कुछ है एक साल की पूरी वारंटी है इतनी मुश्किल से ढूंढ डाल के लाए सही है थैंक यू